दंतेवाड़ा नक्सली हमले में बड़हलगंज का जवान शहीद हो गया। मंगलवार को छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले के कुआं कोड़ा क्षेत्र के श्यामगिरी के पास नक्सलियों ने भाजपा विधायक भीमा मंडावी के वाहन को IED विस्फोट से उड़ा दिया था। इस घटना में बड़हलगंज का जवान दंतेश्वर मौर्या भी शहीद हो गया। मंगलवार की देर रात जवान के शहीद होने की खबर मिलने के बाद बड़हलगंज के सितुआ पार में स्थित उनके आवास पर कोहराम मच गया। शहीद जवान की पत्नी मीनाक्षी मौर्या बड़हलगंज के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका के पद पर तैनात हैं। उनका 7 वर्षीय इकलौता पुत्र आग्रह मौर्या है। शहीद जवान दंतेश्वर मौर्या 2006-07 में छत्तीसगढ़ पुलिस में तैनात हुए। वे कमांडो की ट्रेनिंग भी लिए थे। वर्तमान में वे विधायक भीमा मंडावी की गाड़ी के साथ चल रहे थे। बताया जाता है कि गाड़ी दंतेश्वर ही चला रहे थे। इस बीच नक्सलियों ने वाहन को विस्फोट से उड़ा दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। परिवार वालों ने बताया कि शहीद जवान 12 अप्रैल को छुट्टी पर घर आने वाले थे। उनके बहन की लड़की की शादी 18 अप्रैल को होने वाली है। वे 1 माह पूर्व घर आए थे। दंतेवाड़ा सेकंड सरकार से चाहते हैं हमारे बच्चे का लाइफ सिक्योर करें, हमारे बच्चे का उसका भविष्य संवारे, मेरे बच्चे की तो दुनिया चली गई, मेरा बच्चा अपने क्लास में सेकेंड आया था, तुरंत फोन किया, पापा सेकंड मेडल पाए हैं, पापा उनके मेडल भी नहीं देख पाए, कहे बाबू तुम फर्स्ट आओ, पिछले बार 3rd क्लास में आए थे, इस बार 2nd आए। उनके प्रिंसिपल कहे मेहनत करना, अगले साल 1st आना, 1st आई है, लेकिन उनके पापा ना रहे हैं देख के।